नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राहुल भैया का आज जन्मदिन है। पूरे प्रदेश से हजारों हजार लोग उनके निवास में उनको बधाइयां देने आए हैं। उसी संबंध में हमारे रीवा से भी बहुत सारे लोग, बब्बुल भैया हैं, देवराज दादा हैं, पूर्व सांसद नीरज दादा हैं, ये लोग भी आए हैं। आइए इन लोगों से पूछते हैं कि कितने लोगों को ये लेकर के आए हैं, राहुल भैया से इन लोगों ने बधाई दिया कि नहीं दिया। बब्बुल भैया आप बताइए। नहीं, हम लोग लेके नहीं आए, सब अपनी आस्था से लोग आए। भैया को लोग इतना मानते हैं, उनका इतना प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, और रीवा से तमाम लोग, हजारों हजार लोग आए हैं। उधर अंदर तरफ प्रोग्राम चल रहा है, हम सब लोग उनके दर्शन करने के लिए, उनको उनको उसे मिलने के लिए आए, और जन्मदिन की बधाई देने के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि राहुल भैया सदैव उच्च शिखर पुरुष व्यक्ति बने, उनका अच्छा राजनीति में उच्च पद मिले उनको, और हम सबका सदैव मार्गदर्शन करते रहें। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग आज जन्मदिन की बधाई। जैसा कि आपने सुना कि कोई ढोया नहीं गया है, पब्लिक जो लोग आए हैं अपनी श्रद्धा से आए हैं, उसी संबंध में हमारे पूर्व सांसद रीवा के देवराज दादा इनसे बात करते हैं। दादा आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। दादा आप ये बताइए कि आप लोग कब आए। मैं आज सुबह ही आया हूँ। हाँ। मेरे साथ करीब 6-7 लोग आए हैं और वो टिकट करा आए हैं मेरे साथ तो एक टिकट फ्री है, तो एक आदमी मेरे साथ आया है, बाकी 5-6 लोग अपने फिर टिकट करा के जनरल की लेकर आए हैं, क्योंकि दादा भाई से आस्था है उन लोगों की, और इसी वजह से वो लोग अपने से आए हैं। रुके हमारे उसमें हुए हैं, हमारे रूम में ही रुके हैं, लेकिन आए अपनी आस्था से। तो आपकी राहुल भैया से मुलाकात हुई क्या? बिल्कुल हुई। राहुल भैया ने बड़ा अपना प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनको बधाई दिया कि वो सतायु हो और आगे चल के हम लोगों का मार्गदर्शक बने। तो जैसा कि आपने देखा कि बिंद से जुड़े लोग कितनी श्रद्धा रखते हैं राहुल भैया से, और चाहे वो रेल से आए हों, चाहे अपनी गाड़ियों से आए हों, और किस तरह से आकर के उनको बधाइयां दे रहे हैं। अंदर हजारों हजार लोग, पूरे प्रदेश से हमने देखा अभी सुबह से बधाइयों का तांता लगा है, लोगों का तांता लगा हुआ है। अभी हमारे साथ नीरज दादा भी हैं। नीरज दादा आपसे बात करते हैं। नीरज दादा आप बताइए आप कितनी देर आए। रेवांचल से आए हम लोग। अच्छा अच्छा। हम लोग भैया के जन्मदिन का उत्सव मनाने आए हैं। लाखों हजारों की संख्या में लोग आए, पूरे बिंद से लोग आए, रेवांचल पूरी आज भरी आई है। हम जब उतरे तो उसमें देखे कि रीवा, सीधे से सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया तमाम लोग आए हैं उनके जन्मदिन को उत्सव मनाने, और हम लोग सब मना रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग पूरे प्रदेश से, हर जाति हर वर्ग के लोग राहुल भैया के पास, राहुल भैया को बधाई देने आए हैं, और पूरी श्रद्धा के साथ उनसे जो जुड़े हुए लोग थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ जन सैलाब टूट पड़ा हो। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ जहाँ पर लोग बाग मिल रहे हैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। राहुल भैया की शान में मैं कसीदा लिखूं क्या मजाल है, क्योंकि सारी खूबियों को यज्ञ करना बहुत मुहाल है। राहुल भैया की शान में मैं कसीदा लिखूं क्या मजाल है, क्योंकि सारी खूबियों को यज्ञ करना बहुत मुहाल है। राहुल भैया गंगो जमन तहजीब के अलम बरदार हैं। राहुल भैया के हाथ में झंडा है हिंदू मुस्लिम एकता का। राहुल भैया गंगो जमन तहजीब के अलम बरदार हैं। राहुल भैया के महेंद्र अकबर सिपह सालार हैं। राहुल भैया कैरेक्टर माशाल्लाह इतना साफ शफाफ है कि आज तक कोई डॉट नहीं लगा पाया, कोई हर्फ नहीं आया है। उस पर लिखा है मैंने कि राहुल भैया के दामन पे आ जाए हर्फ क्या मजाल है। राहुल भैया के दामन पे आ जाए हर क्या मजाल है, क्योंकि ये सरोज का सपूत और अर्जुन का लाल है। राहुल भैया के दामन पे आ जाए हर क्या मजाल है, क्योंकि ये अर्जुन का सपूत और सरोज का लाल है। आखिर में दुआ है अल्लाह से कि बारगाह इलाही में दस्ते दराज, बारगाह इलाही में है दस्ते दराज, तू सलामत रहे हो उम्र दराज। आमीन। नमस्कार आदाब, मैं गणित समाचार रीवा के लिए भोपाल से आसिफ खान संवाददाता बोल रहा हूँ। इस समय राहुल भैया के बंगले पे आप देख सकते हैं, आज उनका 66वां जन्म दिवस, उनके सभी प्रशंसक और पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कांग्रेस के पार्षद और विधायक और मध्य प्रदेश शासन के तमाम मंत्री लगातार आते जा रहे हैं, पुष्प गुच्छ उनको भेंट करके उनके दीर्घायु की कामना की जा रही है। आज आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल पोस्टरों से पटा हुआ है, चारों तरफ उनके स्वागत के द्वार बने हुए हैं, और ये बहुत अच्छी खबर है। आज उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद, भीड़ मध्य प्रदेश के कोने कोने से राहुल भैया के निवास पर आके उनको पुष्प भेंट
कर रही है। मैं भैया राहुल सिंह एक बहुत जाना माना नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले उनकी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात हुई थी, तो उसको भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस की जान और कांग्रेस की शान कहे जाने वाले अर्जुन सिंह के सुपुत्र राहुल भैया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। आज उनके चाहने वाले इतनी तादाद है, सुबह 9 बजे से फूल गुलदस्ते ढोल नगाड़े और इतनी बधाइयां उन्हें मिल रही हैं, इतने उपहार उन्हें मिल रहे हैं कि पूरा राजधानी आज गदगद है। मैं गणित समाचार रीवा के लिए भोपाल से संवाददाता आसिफ खान भोपाल। आप देख रहे हैं कि हजारों हजार की भीड़ लगातार आ रही है, लोग मिल रहे हैं और उनको फूल मालाओं से लाद रहे हैं। इसी संबंध में बात करते हैं सिमरिया के नेता शेरू पांडे जी से, अजीत पांडे जी से। बताइए शेरू जी, आपका कैसा अनुभव रहा आज का? आज एक्चुअली कई सालों बाद, लगभग 5 साल बाद भैया ने अपना जन्मदिन मनाया। बीच में कुछ कोविड के कारण और कुछ पर्सनल व्यक्तिगत कारणों के कारण जन्मदिन नहीं मना पाए थे। तो मध्य प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों से, चाहे इंदौर का क्षेत्र हो, चाहे विंध हो, चाहे मालवा हो, चाहे चंबल हो, हर जगह से उनके चाहने वाले, कई सालों से उनका संबंध रहा सब लोगों से, सबकी सेवा की भैया ने। और भैया हम लोगों की शक्ति है, हम लोगों का सम्मान है। तो आज कई सालों बाद हम लोगों को मौका मिला उनका जन्मदिन मनाने का, तो सब लोग दूर दराज से अपने से बिना किसी को बुलाए हुए सब लोग अपने, जैसे ही सूचना थोड़ा सा अभी लेट मिली, विलम्ब मिली, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जितने लोग भी आए तो सब लोग अपनी श्रद्धा से भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए। आपने देखा कि अपने से ही लोग आए हैं, काफी श्रद्धा के साथ आए हैं और इतने ही लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं लगातार सुबह से देख रहा हूँ कि जो भीड़ है, इतनी भीड़, बार बार इतने ही लोग आते हैं, पूरे प्रदेश से जगह जगह से लोग आते हैं, बधाइयां देकर के चले जाते हैं, फिर उसके बाद उतनी ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ऐसा मध्य प्रदेश में देखने को। इसी बीच एक खबर ये भी है कि होम मिनिस्टर भी मध्य प्रदेश के जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, वो भी राहुल भैया को जन्मदिन की बधाई देने आए थे और उसका भी फुटेज अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से कुल मिलाकर के ये दिख रहा है कि राहुल भैया को हर दल से लोग, पूरे प्रदेश से लोग किस तरह से मानते हैं और किस तरह से उनके प्रति उनकी श्रद्धा है, ये देखने को मिला। आज की विशेष खबर यहीं तक, बाकी खबरों के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।